बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पोलाइटनेस सो इस वीडियो में हम देखेंगे पोलाइटनेस की डेफिनेशन एग्जांपल्स ऑफ पोलाइटनेस फेस वांट्स फेस रेटिंग एक्ट जिसको हम एफ टी ए भी कहते हैं फेस सेविंग एक्ट एफ एस ए काइंड ऑफ एफ एस एंड नेगेटिव फेस एंड पॉजिटिव फेस सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड पोलाइटनेस पोलाइटनेस इज़ डिफाइंड एज बिहेविंग इन अ अली एक्सेप्टेबल वे विद प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकुएट जब आप प्रॉपर वे से बिहेव करते हो और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो प्रॉपर मैनर्स हो एटिकुएट हो मीन्स एक अदब हो दैट्स वाट दैट्स कॉल्ड पोलाइटनेस इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे द पोलाइटनेस थियरी इज अ थी दैट अपेयर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिगमेटिक अप्रोच इन लैंग्वेस्टिक्स तो ये थीरी जो है सबसे पहले अपेयर हुई थी किस में लैंग्वेस्टिक ब्रांच प्रेगमेटिक्स में अकॉर्डिंग टू दिस थीरी द इंटर लोकेटर्स यूज़ पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज टू अचीव सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं और कौन से स्ट्रेटजीज होते हैं दैट विल भी आड द स्ट्रेटजीज एनेबल द क्रिएशन टू अ मैक्मल कम्फर्टेबल इनवायरमेंट फॉर कम्युनिकेशन पोलाइटनेस तेरी प्रपोज बाई पेनीलॉक ब्राउन एंड स्टेपेंसी लेवेंसन तो ये इन्होंने प्रपोज की थी इन ये थेरी इट एम्स टू शो द डिवेलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट फर्स्ट डिफाइंड बाय कॉफ मैन इन नाइनटीन सबसे पहले इसने ये कंसेप्ट दी थी, थी कब 1967 में, में इन द फर्दर एनालिसिस बाय ब्राउन एंड लेवनसन इन नाइनटीन में फिर इन दोनों ने जो ये राइटर्स थे इन्होंने काम किया इस पर विच इज़ इंफ्लुंस बाई ग्रिस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड ऑस्टन स्पीच एक्ट थेरी तो ये इनके ये तीरी से जो है इंस्पायर होके इन्होंने वर्क किया था एग्ज़ाम्पल देखें प्लीज़ हैव अ सीट दूसरा एग्ज़ाम्पल है सेट डाउन अब ये इन दोनों में फ़र्क क्या है प्लीज़ हैव अ सीट क्या है एक फॉर्मल वे है पोलाइटनेस है मीन्स आप एथिक्स दिखा रहे हो एथिक्स दिखा रहे हो तो ये क्या है ये आप अपने पेरेंट्स के लिए जब आप यूज़ कर सकते हो टीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हो लेकिन सिट डाउन ये ओबियसली आपके जो दोस्त हैं वो आपके लिए यूज़ करते हैं या आप छोटे बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो सो दिस इज़ वाट दिस इज़ पोलाइटनेस एंड दिस इज़ वाट दिस इज़ नॉट सो वुड यू लाइक टू हैव अ डिनर विद अस एंड कम एंड हैव अ डिनर विद अस अब ये जो सेंटेंस है ये पोलाइटनेस के उसमें दायरे में आता है सर्कल में आता है और ये जो है ये पोलाइटनेस के सर्कल में नहीं आता कम एंड हैव अ डिनर विद अस मीन्स कोई वो नहीं है सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है आ, कोई मतलब एथिक्स नहीं है डायरेक्ट मैं कहता हूँ कि कम एंड हैव अ डिनर विद अस सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ नॉट अ पोलाइटनेस एक्सक्यूज मिस्टर जोसेफ कैन आई यूज़ योर सेल फोन है जोसेफ मी गोना यूज योर सेल फोन अब ये जो है ये आप अपने मतलब जो किसी को या जानते हो नाम के जरिए तो आप अपनी पोलाइटनेस दिखाने के लिए उसको क्या करते क्या कहते हो आप सबसे पहले ये वर्ड यूज़ करते एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जोसेफ़ कैन आई यूज़ योर फ़ोन सोम्स इट शोज़ पोलाइटनेस बट ये आप कब यूज़ करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जूनियर्स के साथ यूज़ करते हो है जोसेफ़ मी गोना यूज़ योर सेल फोन देर इज़ नो एक्सक्यूज़ मी देर इज़ नो एनी अदर फॉर्मल वर्ड बिफोर दैट जोसेफ या मिस्टर जोसेफ़ फेस वॉन्ट्स फेस वॉन्ट क्या है देर एर फोर टू परसन डिज़ायर टू बी एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ इन अ सर्टन ग्रुप एंड ऑन द अदर हैंड टू द एप्रिसिएशन ऑफ दिस सेल्फ इमेज बाई अधर्स फेस वॉन्ट का मतलब ये है कि जब आपकी डिज़ायर हो किसी को अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करते हो या एक्सेप्ट नहीं करते या अप्रूव करते हो या अप्रूव नहीं करते तो ये क्या है ये फेस वांट है मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर That you want to accept someone in your group or not on the ya ab ye ke liye karte accept lete to show your image means to improve your image in the eyes of other people. So this is what this is face one. Face threatening act. A face threatening act is an act that inherently damages the face of the addresses or the speaker or acting in opposition. to the wants and desires of the other. And face threatening act can be verbal, like using words, language. Paraverbal means conveyed in the characteristics of speech, such as tone, inflection, etc., or nonverbal, like facial expression, etc. Face threatening act का मतलब ये है कि जब आप किसी को accept नहीं करते, मतलब इस तरह के जैसे आप अपने expressions show कराते हो. वो expressions किस चीज़ के form में हो सकते हैं यूजिंग वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करते हो जिससे उसको पता लग जाता है कि ई डजेंट या शी डज़ेंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट मी नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हो इसी तरह पैरा वर्बल मीन्स कन्वेड इन दीच सच ए स्ट्रॉन् अपनी जो लैंगवेज है या जो टोन है या इक्शन वो यूज़ करते हो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ही या शी डज़ेंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट मी इन हर ग्रुप और हिज ग्रुप सो अः फेस रेटिंग एक्ट ये एक दूसरी डिफिनीशन है इसकी आप फेस थ्रेटिंग एक्ट वुड मेक सम वन पॉसिबली लॉस फेस और डेमेज इट इन सम वे तो इससे क्या होता है जब आप इस तरह करते हो तो या तो मतलब आप फिर आपकी इज्जत इतनी नहीं रहती जब आप इस तरह हरकत करते हो ना तो आपकी इतनी इज्जत नहीं रहती दैट वाई इट्स कॉल्ड फेस थ्रेटिंग एक्ट इफ अ स्पीकर से समथिंग दैट रिप्रजेंट्स अ थ्रेट टू अनादर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग सेल्फ इमेज एक स्पीकर है वो कुछ ऐसा कहें जो मतलब उस बंदे को अच्छा ना लगता हो तो ये क्या है ये फेस थ्रेटिंग एक्ट है फेस सेविंग एक्ट क्या है स्पीकर से समथिंग टू लिसन अ थ्रेट और टू मेंटेन अ गुड सेल्फ इमेज अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ ऐसा कर देता है सपोज कोई लिफ्ट मांग रहा है तो उसे लिफ्ट दे देता है मींस उसे पिकअप कर लेता है तो ये क्या होता है ये अपनी सेविंग एक्ट इसे कहते हैं मीन्स अपनी इमेज गुड बनाने के लिए ये करता है इन सम एक्शन एज अ थ्रेट टू एन अदर्स फेस द स्पीकर कैन से समथिंग टू लिसन द पॉसिबल थ्रेट अब इसकी एग्जाम्पल ये हैं ये दोनों का एग्जाम्पल है फेस सेविंग और फेस थ्रेटिंग एक्ट एग्ज़ैम्पल सिचुएशन एक सिचुएशन होती है कि नाइबर जो है मतलब जो है कैमसाए हैं वो लॉर्ड म्यूजिक जो है प्ले करे तो आप क्या करेंगे जो फेस थ्रेटिंग एक्ट है उसमें आप डायरेक्ट जाएंगे आप क्या कहेंगे आई एम गोइंग टू टेल हिम टू स्टॉप दैट म्यूज़िक मीन्स डायरेक्ट आप अपनी इमेज शो कराओगे उसे कि आई एम लाइक दिस और आई डोंट लाइक योर म्यूज़िक सो यू हैव टू स्टॉप इट सो दीज थिंग्स यू विल डिलीवर दियर मीन्स देर दिस इज कॉल्ड दिस इज़ वॉट फेस थ्रेटिंग एक्ट लेकिन फेस सेविंग एक्ट क्या है आप मतलब आ, जो क्या कहते हैं पोलाइटनेस शो करोगे क्या कहेंगे पर हैप्स यू कुड जस्ट ऑस्क हिम If he is going to stop that music because it's getting a bit late and people need to get to sleep, देखो कितनी खूबसूरती से ये सेंटेंस लिखा गया है क्या पहले उसके पास मतलब ये ना को डायरेक्ट के स्टॉप दैट म्यूजिक उसे कुछ ना कुछ reasons दो। वो रीजनस क्या है कि लोग सो रहे हैं और इस वक्त ये म्यूज़िक जो है स्टॉप होना चाहिए काइंड ऑफ फेस एक्ट नेगेटिव फेस एंड उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव फेस आता है इज़ द नीड टू बी इंडिपेंडेंट टू हैव फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड नॉट टू बी इम्फोर्सड बाई अदर्स सो टाइप में पहला काइंड है नेगेटिव फेस नेगेटिव फेस किसे कहते हैं इज द नीड टू बी इंडिपेंडेंट टू हैव फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड नॉट टू बी इन्फोर्स बाई अदर्स मीन्स आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो आप ये नहीं चाहते कि कोई मुझे इम्पोज करे ये काम करने के लिए या ये चीज़ करने के लिए तो ये क्या है ये नेगेटिव फेस हैं मतलब आप किसी को लिफ्ट नहीं देते या फ्री रहना चाहते हो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो नॉट टू बी इंफोर्स बाई अदर्स नेगेटिव फेस इज थ्रीटेंड वैन इंडिविजुअल डज नॉट एवॉइड और इंटेंड टू एवॉयड ऑब्सट्रक्शन ऑफ देयर इंटरलोकेटर्स फ्रीडम ऑफ एक्शन इट कैन कॉज डेमेज टू द इधर द स्पीकर और द हेर एंड मेक वन ऑफ द इंटरलोकेटर सबमिट देयर विल टू द अदर फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्शन इज़ इन पेडेड नेगेटिव फेस इज थ्रेटेंड इस पूरे जो पैराग्राफ इसकी समझ आपको तब आएगी जब आप ये एग्ज़ैम्पल देखेंगे एग्जांपल को समझते हैं तब आपको नेगेटिव फेस की जो है वो समझ आ जाएगी ये एक्सप्लेनेशन योर फ्रेंड आज फॉर अ राइड टू द एयरपोर्ट्स अब आपके दोस्त ने आपसे राइड के लिए कहा कि एयरपोर्ट के लिए यू थिंक दिस इज़ नॉट फेवरेबल आई डोंट लाइक ड्राइविंग दिस गाई टू द एयरपोर्ट अब ये आपकी नेगेटिव फेस हैं आप क्या कहेंगे सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि आई डोंट लाइक ड्राइविंग दिस स्काई टू द एयरपोर्ट मैं इसको एयरपोर्ट तक नहीं ले जाना सकता आई हैव अदर ट बाने बनाते हो कि मेरे पास दूसरे काम हैं दैट आई कुड बी डूइंग लाइक कि मैं सोऊँगा या गैसोलीन इन अ कार इन माय कार मैं उसको बचाऊँगा यू कैन फाइंड हिज राइट काफमेन अब ये किसने ये एक्सप्लेनेशन दी थी गॉपमेंट इन 1967 मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये एग्जाम्पल में कि इसमें जस्ट नेगेटिविटी है मतलब कोई हेल्प नहीं है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव फेस इवन ई हैज कार बट स्टिल ही डज डोंट वांट टू हेल्प मीन्स ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट ही डज नॉट वांट दिस दैट आई शुड बी इम्पोज्ड बाई अदर्स पॉजिटिव फेस पॉजिटिव फेस इज रिटर्न वेन द स्पीकर और हेर डज नॉट केयर अबाउट देयर इंटरक्रेटेड फीलिंग्स व डज डोंट वांट वॉट दर वांट्स यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव फेस में आप ये नहीं देखते कि बंदा मेरे सामने है कौन आप जो हैं उसकी बस हेल्प कर लेते हैं ठीक है मतलब इस तरह करते हैं कि आप फीलिंग्स ये नहीं देखते कि मेरे फीलिंग्स मुझे क्या कहना चाह रहे मेरे फीलिंग्स है उसे एक्सेप्ट करने के इस वक्त यानी आप अपनी इमेज पॉजिटिव बनाने के लिए उसको एक्सेप्ट करते हैं उसको लिफ्ट देते हैं उसको जो भी हो वो आप उसका वो काम कर लेते गयेरफ्रेंड आज पूरा राइड टू द एयरपोर्ट्स ये वही एग्जांपल है अब इसने किस तरह दूसरी में किया। यू थिंक आई बेटर टेक हिम बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू लाइक मी एंड आई वॉन्ट द रेपूटेशन ऑफ बीग अ रिलायबल पर्सन अब यहाँ पर देखो ना आपने क्या किया आप तो इसलिए इस भी एकप्ट कि आपकी एक इमेज बनेगी सोसाइटी में दूसरी ये कि मतलब आप ये चाहते हो कि इसकी भी मेरी तरह इज़्ज़त रहें एक मैं एक रिलयबल पर्सन हूँ काबिल भरोसा जो नहीं होता काबिल अतमाद वो बंदा हूँ और इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा और इसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करूँगा वी कैन से अ नेगेटिव फेस इज़ द नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड अ पॉजिटिव फेस इज नीड टू बी कनेक्टेड मतलब जो नेगेटिव फेस है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता है लेकिन जो पॉजिटिव फेस है वो हमेशा कनेक्शन चाहता है कि सोसाइटी के साथ कनेक्ट रहे लोगों के साथ कनेक्ट रहे दैट्स वॉट दैट्स पॉजिटिव फेस पॉजिटिव पोलाइटनेस ये एक दूसरी चीज़ है पॉजिटिव पोलाइटनेस क्या है और नेगेटिव पोलाइटनेस पॉजिटिव पोलाइटनेस फॉर इंस्टेंस डिमॉन्सट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेम्पी हैं नेगेटिव पोलाइटनेस क्या फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेसिंग फेसमिज्म एंड अपोलोजाइजिंग ये क्या है मतलब आप जब किसी का काम नहीं करते तो आप अपोलोजाइज करते हो या एक्सप्रेस कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करते हो जिससे उसको ये लगे कि नो मीन्स इज़ रियली बिजी या ही रियली डट वॉन्ट टू हेल्प मी सो पॉजिटिव प्रेस में क्या होता है कि आप डिमांसट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेम्पी शो कराते हो हम हमदर्दी शो कराते हो दैट्स वॉट दैट्स पॉजिटिव पोलाइटनेस सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ यर